सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रेगुलर साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में रेगुलर बने रहिए क्योंकि एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? तो फ्रेंड्स, आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए और आप रेगुलर बने रहें। रेगुलर बने रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा फ्रेंड्स। तो कम से कम 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो न्यूटन के द्वितीय नियम से जो बल का सूत्र आता है, जो यह बराबर एम ए होता है, वो न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। बस क्वेश्चन को आप समझते चलिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है वो तृतीय नियम होता है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है फ्रेंड्स, जो प्लवन का नियम होता है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बस आप लोग जुड़े रहिए और क्वेश्चन को अंत तक देखिए, पूरा क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए, भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, समय का मात्रक अधिवर्ष होता है, समय का मात्रक चंद्रमा भी होता है, सब समय का मात्रक है। और देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष या दूरी का मात्रक होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, गति के जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, गैलीलियो ने। और देखिए, न्यूटन अभी दिए थे वो गति के नियम दिए थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। और देखिए, इंपॉर्टेंट ए भी है, कॉपरनिकस क्या दिए थे फ्रेंड, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है, इनका नियम था कॉपरनिकस का। और देखिए फ्रेंड्स, हेनरी बेकुलर या रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बस आप क्वेश्चन को फ्रेंड्स समझते चलिए जितने। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, गति के नियम किसने दिया था? तो अभी बताए थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर पेपर को क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का बर्ड्समैन, तो देखिए, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुवांशिकी कोड जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो होता है उसमें वही होता है, तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, अनुवांशिकी कोड हर गोविंद खुराना, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तीन की खोज किए थे हर गोविंद। और देखिए, रॉबर्ट हुक देख लीजिए फ्रेंड्स, या कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे रॉबर्ट हुक, और रॉन्टजन एक्स किरणों की खोज किए थे, सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किए थे, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। गैलीलियो वैज्ञानिक थे, किए थे। और देखिए फ्रेंड्स, कापरनिकस के बारे में बताए हैं कापरनिकस। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, लाइसोसोम की खोज सी डी डूबे, तो ऑप्शन हमारा बी से होगा। तो सी डी डूबे वैज्ञानिक थे, वो किए थे लाइसोसोम की खोज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक रहेगा। तो देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने, तो ऑप्शन हमारा बी ए सही हो जाएगा, डार्विन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डार्विन। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक किए थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जितने भी आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिए आप, अगर क्वेश्चन आंसर आता है तो आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइकेन की खोज तुलास्ते एक वैज्ञानिक थे, तो वो किए थे तुलास्ते। और देखिए फ्रेंड्स, पुरकिंजे यह जीव द्रव्य का शब्द का प्रयोग किए थे सर्वप्रथम, पुरकिंजे जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किए थे। और देखिए फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जानते हैं आप, बहुत बार बता चुके हैं, तो यह पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था फ्रेंड्स। तो देखिए, जितने भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कंफ्यूज भी मत होइएगा। तो देखिए, जीवाणु का सर्वप्रथम खोज ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, वो किए थे, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। और देखिए फ्रेंड्स, यूवानोवस्की यह वायरस विषाणु का खोज किए थे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा, यूवानोवस्की जो वायरस के खोज किए थे विषाणु का, और ल्यूवेनहॉक जीवाणु बैक्टीरिया का। और देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं देख लीजिए, लुई पाश्चर तो यह जैसे हाइड्रोफोबिया जो रेबीज होता है जो कुत्ते काटते हैं और भेड़िया वेड़िया जो काटते हैं तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, तो उनकी जो खोज किए थे लुई पाश्चर। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, एडवर्ड जेनर यह चेचक के टीके का खोज किए थे, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर, तो अच्छे समझिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे, किसने किया था फ्रेंड्स, तो अभी बताए थे फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, तो अच्छे से समझिए फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट, तो दोनों लोग मिलके किए थे, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, गामा किरण की खोज किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए फ्रेंड्स, गामा किरण की खोज पाल विलार्ड, तो ऑप्शन हमारा डी से हुआ, पाल विलार्ड ने किए थे। और देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड स्टीन जो है यह प्रोटॉन की खोज किए थे, गोल्ड स्टीन। और रदरफोर्ड देखिए फ्रेंड, जो रदरफोर्ड खोज किए थे यह नाभिक, नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने खोज किए थे, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ए, जो दूध दूध अधिक दिनों के लिए जो रखा जाता है उसमें दूध जो पाश्चराइजेशन होता है उनकी खोज ए भी किए थे लुई पाश्चर ने। और देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर या चेचक के टीके का खोज किए थे, तो कंफ्यूज मत होएगा भाई फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज, लुई पाश्चर रेबीज के टीके की खोज जो हाइड्रोफोबिया होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किए थे, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ऑक्सीजन की खोज, ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने। और देखिए हेनरिक कैवेंडिश जो है या हाइड्रोजन की खोज किए थे, तो दोनों को कन्फ्यूज मत होएगा फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा, हेनरिक कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज किए थे, सीले और प्रिस्टले या ऑक्सीजन की खोज किए थे। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो पता ही होगा आपको, तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक न्यूटन ने, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। गति का नियम का भी प्रतिपादन किए थे, खोज किए थे न्यूटन, तो अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो देखिए रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह रेलवे का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, देखिए क्लोज क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, हम दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं घर्षण की कमी के कारण, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, तो घर्षण की कमी जब होती है तो हम दलदली सड़कों पे फिसलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप बस रेगुलर बने रहिए,